सिवान शहर के हुसैनी मोड़ डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित सिवान सिटी हॉस्पिटल में गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिलेवासियों को नया सौगात मिला है। सिवान सिटी हॉस्पिटल दिन ब दिन लोगों के बीच बेहतर चिकित्सा तथा मूलभूत सुविधाएं देते हुए जन कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही एक नए डॉक्टर MS सर्जन ब्रजेश कुमार का क्लिनिक का शुभारंभ हुआ, जहां पर सिवान सिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम के साथ सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोहेल अब्बास ने बताया कि डॉक्टर ब्रजेश कुमार के आने से हम सभी को नया ऊर्जा का संचालन हुआ है और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर टीम वर्क में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिटी हॉस्पिटल में जल्द ही BPL कार्ड धारकों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की जाएगी, जिससे समाज में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को भी बेहतर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य लाभ मिल सके। वहीं डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि बड़े अस्पताल से जुड़कर लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से संबंधित जितने भी जनरल सर्जरी हैं, वो सभी सिवान सिटी हॉस्पिटल में हमारे द्वारा की जाएगी। नमस्कार, आप लोग इस चीज़ को पहली बार तो कवर कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और डॉक्टर ब्रजेश को बहुत बहुत मुबारक हो हमारे टीम में शामिल होने के लिए। मैं बेहोशी की डॉक्टर हूँ, जो कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, और पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन, यानी कि ऑपरेशन, जब भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है, उसके पहले मरीज को देखना, उसके फिटनेस को देखना कि वो बेहोशी के लिए और उस स्ट्रेस के लिए कितना तैयार है, एक वो चीज़ देखना। जब ऑपरेशन चल रहा है उस दौरान मरीज की सेफ्टी का ध्यान रखना, और ऑपरेशन होने के बाद किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन जो सर्जन की तरफ से है, उसके अलावा जो बेहोशी की तरफ से हो, उस चीज़ के लिए हमेशा रहना। तो मैं उस चीज़ की डॉक्टर हूँ। उसके साथ साथ मैं ICU में भी ऑन एंड ऑफ रहती हूँ, यहाँ पर डॉक्टर वेद और मैं, हम दोनों देखते हैं। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो एक टीम की तरह अभी तक चल रहे थे, वो और ज़्यादा मजबूत हो गई है डॉक्टर ब्रजेश के रहने की वजह से, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सड़क पर चलते हैं, मिर्गी या किसी वजह से गिर जाते हैं, वैसी कंडीशन में लोग उन्हें छोड़ देते हैं तो मौत भी हो जाती है। तो क्या कुछ लोगों को करना चाहिए, किस तरह से अवेयरनेस? देखिए, इस पे पहले भी हम लोगों ने यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ हमने करी थी, एक अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम किया था। मेरा ये मानना है सबसे पहले कि जब ऐसा कोई भी मरीज ट्रॉमा में मिलता है, मिर्गी या हार्ट अटैक हो जाए या एक्सीडेंटल पेशेंट्स हो, तो किसी को डरना नहीं चाहिए, हेल्प तो हमेशा करनी चाहिए, बाकी ऊपर वाला देख रहा है। यहाँ पे बहुत बार लोग ऐसे डर जाते हैं कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा और लोग समझेंगे कि हम ही ने मारा है। तो अब तो हर जगह इतनी CCTV फुटेज हो रही होती है, सब कुछ हो रही होती है। सबसे पहले आपको सिंपथी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीज को सबसे पहले आप किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में लाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल दूर जो अच्छा हॉस्पिटल है वैसा, कहीं भी फर्स्ट एड के लिए आप लेके जाएं मरीज को, और फिर जब वो स्टेबल हो जाए, फिर वो जिस तरीके का मरीज हो वैसी स्पेशलिटी के पास ले जाकर के उसको दिखाएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर ब्रजेश का कि जो हमारी सिवान सिटी टीम में जुड़ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम। मैं डॉक्टर सचिन कुमार, नवजात बाल रोग विशेषज्ञ। यहाँ पे मैं जो नवजात बच्चे होते हैं, पैदा नहीं होते हैं, उनसे लेकर के जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको मैं देखता हूँ हर तरह की, मतलब उनका वैक्सीनेशन से लेके ICU केयर, एवरीथिंग, मतलब जो कॉमन बीमारियाँ होती है, सीजनल वगैरह, सब कुछ मिला के मैं सारा बच्चों को कवर करता हूँ। तो यहाँ पे पूरी सिवान सिटी के अंदर हम लोग की टीम है, गायनी है, ऑर्थो है, पीडियाट्रिक्स है, फिजिशियन है, साथ साथ अब सर्जन की कमी थी, वो सर थोड़ा कर देंगे। तो एक हमारा स्ट्रॉन्ग टीम बन गया है, अब इसको आगे लेके चल रहा है। बिल्कुल, सिवान में इस तरह की फैसिलिटी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। जो पहला इनिशिएटिव सिवान सिटी हॉस्पिटल ने लिया है कि एक मल्टी स्पेशलिटी टीम तैयार किया है, एक छत के नीचे सारी स्पेशलिटी है, और कोई भी मरीज आता है तो उसको 10 जगह दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छत के नीचे सारा इलाज किया जाएगा। सिवान में एक्सपीरियंस अभी तक का तो बहुत अच्छा रहा है, आगे भी उम्मीद है इतने बड़े मंच से जुड़ने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही रहेगा। और ऑपरेशन की बात रही तो जितने भी जनरल सर्जरी के केसेस हैं, जो भी चाहे वो ओपन सर्जरी हो या दूरबीन के माध्यम से सर्जरी की सुविधा, सारी चीज की सर्जरी यहाँ पे सबसे स्टार्ट हुई है। ये हॉस्पिटल मार्केट में काफी ज्यादा प्रतिष्ठित है, तो क्या लगता है इसको आप पूरी तरह से मेंटेन करके चलेंगे और मरीजों के साथ जो व्यवहार है उसको भी बनाकर रखेंगे? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश बिल्कुल रहेगी। जो इस अस्पताल का जो एक ब्रांड बना हुआ है सिवान में, इसकी इज्जत बनी हुई, वो बरकरार रहे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसको मेंटेन करने की।
खास सुविधा आपके अस्पताल में उपलब्ध है जी? अभी देखिए, जो गरीब मरीजों के लिए जो सरकार ने योजना बनाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बनाया हुआ है, अभी समझ लिए कि ये बहुत जल्द ये सेवा हमारे सिवान सिटी में भी शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ जो गरीब पेशेंट है, हम लोग ऑलरेडी जब से सिवान सिटी खुला है तब से गरीबों के लिए हम लोग कर रहे हैं। मतलब ये समझ लिए कि नहीं भी तो जो सर्जरीज जो मैं करता हूँ जनरली, वो महीने में 10-12 सर्जरीज तो गरीबों के लिए फ्री भी करता हूँ। और बाकी जो मेरी ओपीडी चार्जेस हैं, जो मेरी खुद पर्सनल की है, वो जो 60 प्लस लोग हैं उनकी 150 रुपये मेरी फीस, 50% में उनमें याद करता हूँ। जो 60% से जो 60 साल से ऊपर है, जो सीनियर सिटीजन है। अच्छा सर, एक और चीज, आयुष्मान की बात अभी कर रहे थे, तो आयुष्मान में किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी आपने? जी देखिए, हमारे पास सारी स्पेशलिस्ट अब ऑलमोस्ट हो गए हैं, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक खुद हूँ, जनरल सर्जन है, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू हैं, हमारे फिजिशियन हैं डॉक्टर वेद, हमारे पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर सचिन है, और ENT सर्जन हमारे दिल्ली से आते हैं डॉक्टर नईम है। तो हम लोग ऑलमोस्ट एक टीम हम लोग की तैयार हुई है, तो इसमें जो भी स्पेशलिटीज आएंगी जो भी है उसमें सारी सुविधा उसमें। सिवान जैसे सर में 2-3 डॉक्टर ऐसे हैं जो नहीं दिखते हैं, एक तो कार्डियोलॉजिस्ट, दूसरा न्यूरो से जुड़े हुए, ऐसे डॉक्टरों को कब तक आप यहाँ पर? देखिए बात तो आपकी ठीक है, मेरे पास काफी लोग अप्रोच करते हैं कि हम लोग 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में या महीने में आएंगे, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हुआ, ये न्यूरो सर्जन हुए, न्यूरोलॉजिस्ट हुए, बट एज ए पर्सनल एज ए डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ कि रेगुलर होना इम्पोर्टेंट है। मतलब एक जगह एक छत से 24/7 सेवा देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे में 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में जो आता है, तो मुझे एज ए पर्सनल एज ए डॉक्टर लगता है कि नहीं अभी वो सेवा तो ना दी जाए। अगर पर्सनल जैसे मान लीजिए डॉक्टर ये है यहाँ पे है, डॉक्टर खुशबू गायनेकोलॉजिस्ट हमारे 24 है या मैं हूँ 24, किसी को जब भी इमरजेंसी जरूरत पड़ती है पेशेंट आता है। वैसे कार्डियोलॉजी है एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि इमरजेंसी में ही पेशेंट आएगा, हार्ट अटैक हुआ वो इमरजेंसी में ही आएगा, हमें 2 हफ्ते वो वेट नहीं कर सकता। तो जैसे ही अप्रोच हम लोग ऑलरेडी दिल्ली से सबसे पटना डॉक्टर कोई मिल जाएगा। हाँ जब बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं आप लोगों मीडिया से ही माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा डॉक्टर से जुड़ना चाहे कि 24 आवर्स हमारे पास सेवा देने को तैयार है, तो डेफिनेटली हम मोस्ट वेलकम करेंगे उनका कि वो रहें कम से कम 24 आवर्स। थैंक यू सर।